Aha, जब जब आप क्या वही उनकी सबसे पहले तो फिल्म के बारे में जिस तरीके से हमने देखा है काफ़ी बस बना हुआ है काफ़ी प्रोमिसिंग ट्रेलर भी लगा है इसके बारे में कुछ बताइए। वेल फिल्म के बारे में मुझे जब सबसे पहले पता चला मैंने कहा मुझे यार प्लीज़ एक लाइन में बता दीजिए कि क्या है मुझे कुछ समझने के लिए। बहुत सिंपल सी कहानी है कि एक मुसलमान नक्काश है जो हिंदू मंदिर में काम करता है। दैट्स इट। आई वाज सोल्ड। आई वाज लाइक कि ये एक लाइन ही अगर इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी इंट्रीगिंग है तो फिर तो पूरी फिल्म तो पता नहीं क्या होगी। एंड दैट इज़ व्हाट द मूवी इज़ अबाउट कि एक बहुत अच्छा ईमानदार मेहनत करने वाला एक नक्काश है जो एक मंदिर में नक्काशी का काम करता है और अपनी ज़िंदगी चलाता है और वो किस तरह से इस पॉलिटिकल मुठभेड़ में फंस जाता है जो कि अभी दुनिया में भी हो ही रहा है और वही हमने फिल्म में दिखाने की कोशिश की। मेरा किरदार है कि मैं इनामुल की बीवी का रोल कर रही हूँ जो खुद अपने आप में एक रिबेल है, जो खुद अपने आप में एक बहुत टिपिकल वैसी लड़की नहीं है कि हाय मेरे साथ ऐसा हो गया मेरी ज़बरदस्ती शादी करिए। नहीं, उसने अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की कोशिश की पर हार गई और फिर उसे एक ऐसा इंसान मिला जो खुद अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है। सो टुगेदर दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। बनारस का बैकग्राउंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जो कहानी है वो कहीं की भी हो सकती थी। बनारस इट्स जस्ट व्हाट द फिल्म मेकर्स चोज, ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी भी शहर की किसी भी जगह की कहानी हो सकती थी। बनारस मेरे लिए स्पेशली बहुत अच्छा था बिकॉज इस बहाने मुझे बनारस देखने मिला, वहाँ की देव दीपावली देखी, वो कितनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पर घाट पर बैठ के सनसेट देखें और सनराइज़ देखें एंड वहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं, प्यारे से हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे ऐसा थोड़ा सा टू बी ऑनेस्ट डर लग रहा था कि क्योंकि बॉम्बे का क्राउड आपको हैंडल करने की आदत होती है, आपको नहीं पता छोटे शहर के लोग क्या करेंगे क्या बोलेंगे या कैसे होगा या शूटिंग के टाइम पे कुछ अड़चन तो नहीं होगी, बट टू माई सरप्राइज लोग इतने सपोर्टिव और इतने स्वीट हैं, इतने मतलब बॉम्बे के लोग उनको थोड़ा एक्टर्स देखने की आदत हो चुकी होती है ना, पर वहाँ के लोगों को नहीं होती है एंड दे आर सो वार्म एंड वेलकमिंग कि हम जिस घर में शूट भी कर रहे थे और वो जिनका घर था वो कि अच्छा ये बेटा बैठी है आप क्या पियेंगी क्या करेंगी एंड इट वाज वेरी स्वीट। एक बार के लिए भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा, एक बार ऐसा नहीं लगा कि अच्छा ये थोड़ा सेफ नहीं है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं वहाँ अकेली घूमती थी। आई थिंक माहौल से ज़्यादा आई थिंक अभी हम ऐसे समय में पहुँच गए हैं कि ये माहौल हो ना हो, ये पॉलिटिकल सिनेरियो हो ना हो, ये फिल्म जो मैसेज पहुँचाना चाहती है उसकी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हाई टाइम हो गया है कि हम धर्म रिलीजन इस सब से ऊपर उठ के इंसान को इंसान की तरह देखें एंड आई रियली होप कि ये फिल्म उस चीज़ में योगदान देगी। मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि पर्सनली आप इस फिल्म को ये सोचकर मत जाइए कि अरे कोई पॉलिटिकल फिल्म है या वही पुराना हिंदू मुसलमान का जो एजेंडा है उसके ऊपर बनी है। नहीं, ये फिल्म आप और मैं हम जैसे आम लोगों के ऊपर है। मुझे वाइल ग्रोइंग अप हम सबके अलग अलग मज़हब के अलग अलग रिलीजन के दोस्त होते हैं, उस वक्त हम में से किसी को नहीं लगता कि अच्छा ये मुसलमान है अच्छा ये हिंदू है ये क्रिश्चियन है, हम सब उस वक्त दोस्त हैं क्योंकि हम सब दोस्त हैं। बड़े होते होते पता नहीं वो चीज़ें कहाँ खो जाती हैं और मुझे लगता है ये फिल्म देखकर अब हर कोई अपना एक पर्सनल ज़िंदगी को किसी ना किसी हिस्से से उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सो प्लीज़ इसलिए जाइए फिल्म देखिए, सबको बहुत मज़ा आएगा, सबके बहुत हम सब ने बहुत मेहनत से बनाई है, हम सबके बहुत दिल के पास है। प्लीज़ थिएटर्स में जाके देखिए, सपोर्ट कीजिए, इट्स टाइम कि इस तरह का अच्छा सिनेमा बाहर आए और उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।